देहरादून में चाइल्ड फ्रेंडली कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने किया है। कार्यशाला का शुभारंभ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी, फ्रांस के राजदूत और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। चाइल्ड फ्रेंडली कार्यशाला का आयोजन हुआ है देहरादून में। कैलाश सत्यार्थी, फ्रांस के राजदूत और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। चाइल्ड फ्रेंडली कार्यशाला का आयोजन देहरादून में हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने किया। कार्यशाला का शुभारंभ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने किया है। फ्रांस के राजदूत मौजूद रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। देहरादून में चाइल्ड फ्रेंडली कार्यशाला का आयोजन, स्कूली बच्चों के बीच में पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी। फ्रांस के राजदूत भी इस दौरान मौजूद थे। कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चे भी मौजूद। अजीत कांबोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी पर उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं। अजीत, कार्यशाला का आयोजन मकसद देहरादून को, राजधानी को चाइल्ड फ्रेंडली बनाना? बिल्कुल पंकज, जिस तरह से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का स्मार्ट सिटी के एक परिपेक्ष में चयन हुआ है, तो यहाँ पर अब सरकार की कोशिशें तेज हो गई है कि कैसे स्मार्ट सिटी के दिशा में बेहतर काम किया जाए। और स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो देहरादून है उसने एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें पहला प्रोजेक्ट जो रखा गया है वो चाइल्ड फ्रेंडली देहरादून बनाने का रखा गया है कि कैसे हम स्कूली बच्चों को स्मार्ट सिटी के तौर पर बेहतर सुख सुविधाएं दे सकते हैं। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उनका वक्तव्य इस वक्त चल रहा है, जो अपने पूरे अनुभव को साझा कर रहे हैं कि कैसे बच्चों के सामने कई तरह की दिक्कतें आती हैं, शासन प्रशासन मिलकर कैसे उन समस्याओं को दूर कर सकता है। और अगर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का चयन हुआ है स्मार्ट सिटी के लिए, तो ऐसे में शुरू से ही अगर व्यवस्थाएं सुधारी जाए तो बेहतर तरीके से हम बच्चों के लिए सुनियोजित तरीके से काम कर सकते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली बना सकते हैं राजधानी देहरादून को। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, वक्तव्य है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना संबोधन नहीं किया है, अब वो क्या अपनी बातें रखते हैं, ये तमाम चीजों का इंतजार हुआ है। जी पंकज, चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देहरादून को चाइल्ड फ्रेंडली बनाना मकसद।